और बच्चा लोग कैसे हो? चलिए चलते हैं कुछ नया सा करने। तो हाँ बच्चों, आज सीखते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स जो हमें कई बार काम आती हैं। तो हाँ बच्चों, चलते हैं कुछ नया सा करने। अक्सर घर में टॉवल होते हैं, टॉवल से जब हम काफ़ी यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वो पुराने हो जाते हैं या उनका कलर फेड हो जाता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि टॉवल मजबूत ज़रूर होना चाहिए। तो अगर टॉवल मजबूत है, फट नहीं रहा और कलर ही सिर्फ गया है तो कोई बात नहीं, इससे हम क्या बना रहे हैं वो देखते हैं। पहले ये देखिए, ये मैं एक गोल थाल है मेरे पास, कुछ भी आप ले सकते हैं जिससे एक बड़ा गोला बना लीजिए। इस तरीके से इसे कट भी कर लीजिए। ये आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको कितना बड़ा बनाना है। अब ये देखिए, मैंने गोल कट कर दिया टॉवल से। अब इसको फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी हल्का सा हमें कट करना है। याद रहे, ज़्यादा कट नहीं करना है, बस छोटा सा कट, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास वाइपर होते हैं ना घर में, तो वाइपर का अगर नीचे का पार्ट बिल्कुल ख़राब हो गया है तो आप इस लंबे से पाइप को फेंक देते हो, क्योंकि वाइपर ही ख़राब हो गया, दूसरा वाइपर लाना है। पर इस पुराने डंडे से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा वाइपर टाइप बना सकते हैं। अक्सर आपने देखा है टॉवल से पोछा बहुत बढ़िया लगता है, जो टाइल्स होती हैं बहुत बढ़िया साफ भी हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं, इसे हम कैसे बनाने वाले हैं। ये देखिए, जो छोटी छोटी कटिंग है ना उसको ले लेते हैं और एक बड़े पार्ट को ले लेते हैं। उसे हम एक रस्सी से या एक सूतली से, किसी से भी आप अच्छे से बांध सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, अच्छे से बांधिए, काफ़ी टाइट रखिए इसे। अब इसे कट कर दीजिए, ये जो गोल वाला पार्ट है उसको ऊपर से नीचे की तरफ डाल दीजिए। अब नीचे वो पहले अच्छे से पैक हो चुका है, अब ऊपर से ये गोल वाला आपने डाल दिया। ये देखिए, अब यहाँ भी आपको बहुत ही कस के बांधना है। यकीन मानिए, आप बहुत सारे घर में पोछे लगाते होंगे, लेकिन कई बार जब शाम के टाइम हमें लगता है कि घर को थोड़ा साफ करें तो ये बहुत ही हेल्प करेगा। हल्का सा गीला कर दिया, हाथ से थोड़ा निचोड़ दिया और कहीं भी आप पोछा मारेंगे आपकी कमर भी नहीं दुखेगी, क्योंकि हम पाइप से अगर पोछा लगाते हैं तो हम झुकते नहीं हैं ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया क्लीन बहुत हो जाता है। तो अभी तो गर्मियाँ आ रही हैं, हमें दो दो तीन तीन बार इस तरीके से वाइप करने होते हैं, क्योंकि घर साफ सुथरा अच्छा लगता है, वरना मक्खियों वगैरह से घर अच्छा नहीं लगता है। तो देखा बच्चों, ये कैसे क्लीन हो रहा है, अब हम भी इसे साफ कर ही सकते हैं और बच्चे भी कभी कभी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी बच्चों ये ट्रिक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ये जो पार्ट बचा हुआ है ना टॉवल का, या तो इसको सीधा करके किचन में यूज़ कर सकते हैं, या ये ख़राब हो जाए पोछा तब इसको दोबारा इसी से ही बना सकते हैं। तो एक ही टॉवल से, मीडियम साइज़ का टॉवल था, उससे हमने दो टाइप का बन सकता है पोछा।